तो गाइस अब हम आ गए हैं गौरीकुंड और हम यहाँ पे गौरी माई के टेंपल, यहाँ पे टेंपल है एक, वहाँ है नहाने जाएंगे हम लोग कुंड में। कहते हैं यहाँ से नहा के जाना चाहिए ऊपर दर्शन करने, फिर मंदिर आएंगे। नहा के आ रहे हैं पहले, पहले नहाने जा रहे हैं, फिर आएंगे यहाँ पे मंदिर, गौरी माता का मंदिर है। यहाँ पे नहाते हुए मैं नहीं दिखा सकता, वंश को दिखा दूंगा नहाते हुए खाली आपको। चलो भाई, ये भी बोलो, ये वाला मेरा नहीं, वंश वैश को, एक है वंश नेगा, एक है वंश वैश, वो मैं परिचय करा दूंगा थोड़ी देर में आपको। तो गाइस फाइनली हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। वंश भाई कुछ बोले, ये वंश है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना ट्रैक। देखो मौसम, देखो गाइस, हमारी ट्रैकिंग हो गई है शुरू और अभी से घोड़े खुलते लगते हैं मेरे तो, अभी अभी शुरू करी है। क्यों भाई, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाय सर, वेरी हाई। गाइस इन द मिडिल ऑफ द ट्रैक वी आर हंग्री, तो हम लोग थोड़ा फ्रूट्स वगैरह वो सब खा रहे हैं, फ्रूट्स, खीरा, केले, ये वाटरमेलन, ये उदास बैठा हुआ है। अब पता नहीं क्यों, बंजू आप रीज़न तो बता, किसी की याद आ रही है, किसी की याद आ रही है। अच्छा आ रहा है ना कैमरा, चश्मा ज़्यादा काला नहीं हो रहा। तो चलो हम ये खाते हैं, बहुत शर्म आ रही है, लोग देख रहे हैं। चलो भाई, गाइस ये चेकआउट मारो व्यू, इतनी घटिया बदबू आ रही है इसकी। क्या खा रहे हैं अंजू भाई, कौन सा सफेद पाउडर है ये? इससे ही तो ताकत मिलेगी भाई ऊपर जाने की, ये खा के ऊपर चढ़ूंगा एकदम कड़क है ना। अभी कार्ड लाया नहीं, नहीं तो नाक से खींच लेता। मजाक कर रहा हूँ भाई, दिखा दे भाई मेरी ऐसे जाएगी घर पे। ये है ग्लूकोन डी, हमें क्या पता अंदर ग्लूकोन डी है क्या है। ग्लूकोन डी भाई चढ़ गया, मैंने कसम दे दी, इनसे पूछिए, इनसे पूछे, उसका तो मुंह हट जाता है पहले ही, वो दुख में है, वो थक गया है बहुत ज़्यादा, बंद कर दो खाने दो। ले मंच खा ले, मंच खा ले यार, प्लीज प्लीज खा ले भाई, अरे प्लीज एक बार मार दे, ऐसे नशीले पदार्थ खा ले यार, खा ले। बोल दे कुछ, कुछ नहीं बोल रहा, खाली व्यू दिखा रहा हूँ गाइस, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, आसमान की ऊंचाइयों पे, आसमान की ऊंचाई, तू बोल दे साले, तू बोल दे, आजा सर सर। देखो भाई खाइए इधर, भाई ये खाइए, जो भी है खाइए, जो भी गड्ढा, अभी तक ऊपर नहीं पहुंच पाए, कितने बज रहे होंगे, 3:30-4 होंगे, सच में 4 बजने वाले हैं, अभी भी कम से कम 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आराम से है, 3-4 किलोमीटर, सुबह 6:30 बजे निकले हुए हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, बिल्कुल टांगों में जाने नहीं है, इतना बड़ा भूजा टांगा हुआ है,
चलो आपसे मिलेंगे ऊपर ही डायरेक्ट। ऊपर कहाँ भाई, अंधे हो गए हैं घोड़े वाले। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, यहाँ पे बहुत लोग हैं तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट हम लोग अभी अभी पहुँचे आधे घंटे पहले। 13 घंटे का सफ़र था, 13 घंटे हम कंटिन्यूसली चले हैं, बिल्कुल भी जान नहीं है। कल मिलूँगा फिर सुबह 3:30 बजे। हाँ भाई इसे दे दो।